गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शाम का टाइम है तो मेरा काफ़ी दिन से ये चने की क्या बोलते हैं लिट्टी खाने का मन था, जो मकुनी की लिट्टी बोलते हैं। इसके अंदर तो क्या क्या पड़ता है सब कुछ दिखाएंगे। मैंने भूजा चना ला कर रखा था छिलके वाली, इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। थोड़ा मेहनत लग रहा है, यहाँ पे कचड़े भी निकले हैं, कचड़े निकल गए हैं। जितना हो सके उतना साफ कर होता है, नहीं होगा मिक्सर पीस देंगे और चलनी से चल देंगे, सही हो जाएगा। हाँ। तो और रात का समय भी है, देख सकते हैं। तो यहाँ मैं इतने से चना ले रही, आधा के लाए थे, आधा बनाएंगे क्योंकि दो ही तीन लोग खवैया है वो अच्छा लगता है। लगता है अच्छा, वो वाला क्या अच्छा, और ऊपर ही भी बनता है। यहाँ कहाँ से लगाएंगे? यहाँ पर आंधे में। तो यहाँ मेरा इधर आ भगवान। और एक तरफ हमने बैगन को हम भूज दो तरफ बड़ा दोनों तरफ। अभी तो हम भूज के बनाएंगे, ज्यादा टेस्टी आएगा इसलिए भूज के बना रहे हैं। मेरे को निमोना है, खा दो। हाँ, सुबह का निमोना है। और ये चना, चना को जा रहे मिक्सर में पीस लेंगे। मैं खाऊंगी। इसके अंदर प्याज, अदरक, मिर्च, लहसुन और नमक, अजवाइन वगैरह सब पड़ता है, हींग वगैरह सब पड़ता है, धनिया वगैरह सब। तो इसको हम इसका बना लेंगे पेस्ट। पेस्ट नहीं जी, आटे की तरह बना लेंगे। तो चलिए जुड़े रहिए, तब तक तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर लेते हैं फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर लहसुन मिर्चा प्याज डाल दिए हैं और उसका बैगन हमारा इधर हो गया है। अब रख रहे हैं आलू और टमाटर उबलने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मकुनी का पूरन तैयार हो गया है, सब कुछ मिक्स कर दिया है। और बैंगन को हमने आधा किलो बैंगन था जो मैं छील रही हूँ। आलू और टमाटर रख दिया कुकर में उबलने के लिए। यहाँ पे कीड़ा वाला देख ले रहे हैं, बीज ज़्यादा है निकाल देते हैं। कीड़ा ही नहीं, कीड़ा देखना पड़ता है ना। आज मैंने स्विगी इंस्टामार्ट से कुछ ज़रूरतें के सामान मंगाया था और ये इसका बैग है, इसको मैं ओपन करती हूँ। अच्छे से पैकिंग होकर आया हुआ है, तो इसका ये बिल रहा। बैग भी बहुत अच्छा है। तो ये मैंने ब्रोमीटा मंगाया था, ख़त्म हो गया था तो ऋषभ जिद कर रहा था, तो बोला कि मम्मी नहीं है, तो मैं ये ब्रोमीटा मंगाया और कुछ मिनटों में ये सामान आ गया था। और ये ब्राउन ब्रेड मंगाया, देख सकते हैं। और ये चॉकलेट मंगाया, डेरी मिल्क ओरियो का चॉकलेट है। और गर्मी का सीजन चल रहा है तो कोल्ड ड्रिंक पीने का भी मन कर दिया था, तो कोल्ड ड्रिंक कोको कोला। तो ये चार सामान मैंने स्विगी इंस्टामार्ट से मंगाया और कुछ मिनटों में आपके पास ये कोई भी सामान आप वहाँ से ऑर्डर करके कुछ मिनटों में आपके पास आ जाएगा। तो सो गाइस, घर हमारा चोखा वगैरह बन गया है। और गाइस आलू मतलब कि बैंगन में मिर्च, जो धनिया, लहसुन, अदरक पड़ता है, तेल वगैरह सब डाल दिया है। आलू बल गया है, वो सीटी बेसन नीचे डालेंगे। तब तक हम सोचे कि इसको यहाँ बैठ कर भर लेते हैं। कब से खड़े थे, चक्कर आ रहा था और पैर में दर्द हो रहे थे, तो हमने सोचा इधर अपना कर लेते हैं और इधर फट जाते हैं फटाफट। और दिखा देती हूँ मैं आपको, कहाँ है ये रहा, ये देख सकते हैं। टमाटर आलू डाल अभी इसमें है और ये देखिए इतना कूड़ा तो भर रहे हैं, तो जुड़ रही है। हम भर लिए थे तो पानी रख दिए थे कढ़ाई में, उबल रहा था। तो पहले क्या करते थे कि हम लोग पहले ऐसे ही डायरेक्ट छानते थे, लेकिन पानी में उबाल लेंगे थोड़ा सा, इसमें लिट्टी पक जाएगा और तेल में जल्दी फ्राई भी होगा। तो यहाँ हम रख देते हैं उबालने के लिए। और गाइस अभी देख सकते हैं ये हमारा चोखा भी बन के तैयार हो गया है। बस इतना सा चोखा और क्या, खवैया कौन है, खवैया और क्या, दो ही तीन लोग तो हैं ही। ये सबको इतना सा आटा उठा के रख दिया है, पूरी खाएगा, पूरी छान देंगे। अब देख सकते हैं ये पानी से उबाल कर हमने बाहर रख लिया छान कर, और यहाँ मैंने आयल को, तेल को गरम करने के लिए रख दिए हैं। तेल गरम हो गए हैं और इसमें मैंने एक एक करके डाल दिया है। और ये आग बिल्कुल स्लो कर दिया है, अब इतना और सा है
एक बार में इसको छान लेंगे, फिर ये सबको गरम गरम पूरी छान के देंगे। पहले इसको फ्राई कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने इतना फ्राई करके निकाल लिया, एक बार कवर डाल दिया। ये मैंने टिश्यू पेपर लगा दिया कि जो इसका तेल वगैरह रहेगा इसमें सोख लेगा। तो लगभग बन गया है। और दो यहाँ पे हाँ, दो जगह नहीं है ना इसके अंदर, फिर बाद फ्राई करेंगे। बड़ा टाइम लगता है फ्राई करने में, धीमे आंच में। 2 मिनट लगता है। खाना खाओगी? दो टेस्ट करके बताना। यहाँ मैंने सोनाक्षी के लिए लगा दिया, ये चोखा था और ये लिट्टी। अब खा कर बताइए कैसा बना है। तो यहाँ मैंने सोनाक्षी दे दिया, खा कर बताओ, टेस्ट करके बताओ। इस पर रखो? हाँ रखो। तो गाइस यहाँ पे मम्मी ने तोड़ के मुझे दे दिया, मैं खा के देखती हूँ। बहुत अच्छा है। घी भी नहीं डाली हो क्या इसमें? घी कहाँ पड़ेगा, छान कर बनाएंगे। धोए भरे हुए अच्छा बना है। पापा आ गए हैं। The next morning. तो गुड मॉर्निंग फैमिली, ये दोपहर का समय है। गुड मॉर्निंग भी हो गया और गुड आफ्टरनून भी हो गया। तो किट्टो के घर भी जाना है बर्थडे पार्टी में। तो लंच नहीं बनाए हैं, रात को लिट्टी चोखा बचा था, हम लोग उसी को नाश्ता कर लिए, चाय पानी पी लिए। तो अभी घड़ी में 12:30 बज रहे हैं। तो यहाँ हमने पपाया काट दिया, वाटर मेलन काट दिया, स्ट्रॉबेरी और ग्रेप्स वगैरह है तो सब कुछ नहीं, ये स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी दो दो ठेल देते हैं और स्ट्रॉबेरी धो देते हैं इसको, फिर दे देते हैं फल और खा कर तैयार यार होकर हम लोग फिर निकलेंगे किट्टो के घर बर्थडे पर। और आज आज क्या है, 17 मार्च है। हाँ। आज मेरे भतीजी का बर्थडे है, सोना का, भाभी की लड़की का और किट्टो का, दोनों लोग का बर्थडे सेलिब्रेट साथ में किया जाएगा। सोना अपने घर है, किट्टो अपने घर है, हम लोग बस जाएंगे बर्थडे पार्टी में एंजॉय करने। तो बने रही ब्लॉग के अंदर, ये फ्रूट व्रूट खाकर फिर तैयार होकर मिलते हैं। तो गाइस पति देव इधर आए, पति देव बोलिए कुछ बोले, क्या लगाए मोहन? हेलो फैमिली, ये क्या लगाए हैं? रील्स बनाना पड़ता है, रील्स बनाने के लिए जैसा वीडियो रहता है उस हिसाब से मेकअप करना पड़ता है, तो हम उस हिसाब से नहीं कर पाते, लेकिन जितना होता है हम अपने हिसाब से कर लेते हैं। तो ये देखिए हम अपना रील्स बनाए हैं, गमछा लिए हैं। तो हमारे इंस्टाग्राम डीके वंदना को आप लोग फॉलो करिए। तो गाइस अरे काफी लंबा ब्लॉग हो रहा है, तो ब्लॉग यहीं से एंड करते हैं। अब तैयार होने जा रहे हैं, चलिए तैयार हो जाए निकलना। मम्मी वहाँ खाना बनाई है, बोली आना खाना है, अब ये 2 यहीं बजा दिए हैं। हमको क्या तैयार होना, हमको तो पैंट शर्ट पहनना है, तैयार तो आप? मैं क्या पहनू समझ में नहीं आ रहा है, ये देखो डेली क्या पहनना है। तो गाइस चलिए तैयार होकर मिलते हैं, देखते हैं क्या पहनते हैं। ब्लॉग यहीं से एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा लाइक वंदना, और फेसबुक पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा वंदना एंड किट्टो ब्लॉग, और इनको भी फॉलो कीजिए वंदना ब्लॉग। गाइस मम्मी ने कल मैं कपड़ा दिखाया तो दिखा दी, तो मम्मी मैं आज यही पहनी हूँ, देख सकते हैं? हाँ देख सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो लेकर आती, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।